नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थो और आप देख रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को कैसे अपने कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन कहीं पर भी हो सकता है, वो दुनिया का कहीं भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, बट आप अपने घर पर बैठ के ही अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से उस मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इस टॉपिक पर, वो वीडियो पर काफ़ी अच्छा खासा जो है रिस्पॉन्स आया था और काफ़ी सारा व्यूअर ने मुझसे यही कमेंट पर लिखा था कि उनका जो डिवाइस है उस पर सपोर्ट नहीं हो रहा है, वो स्क्रीन को देख पा रहे हैं बट मोबाइल फ़ोन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने भी खुद ट्राई किया था कि हर डिवाइस पर जो है वो ट्रिक काम नहीं करता है, 90% जो है वो सैमसंग की डिवाइस पर ही वर्क करता है, लेकिन मैं आपके लिए आज एक नया ट्रिक लेकर आया हूँ। जो ट्रिक आपका कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, चाहे ओप्पो का हो, सैमसंग का हो, रेडमी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जो भी डिवाइस हो उसमें वर्क करेगा 100%। तो ये ट्रिक काफ़ी आसान है और पिछले जो वीडियो था उससे काफ़ी एडवांस लेवल का है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी उस वीडियो को पहले चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरा लैपटॉप के स्क्रीन पर, आपको ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि कैसे करके आप ये ट्रिक को यूज़ कर पाएंगे। आप काफ़ी सारा जो है यहाँ पे फ़ोन को, मतलब आप अपने फ़ोन को जो है जैसे एक्सेस करते हैं वैसे ही आप अपने लैपटॉप से ही उस फ़ोन को बिना टच किए ही एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही बहुत सारा काम कर सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मतलब क्लियरली पहले बता देता हूँ, आप इस ट्रिक को मिसयूज़ मत कीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यूज़ कीजिएगा, आपके फ्रेंड फैमिली किसी के साथ मतलब यूज़ कीजिएगा, तो इसको मिसयूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, जिसका वेबसाइट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है AirDroid। तो इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके आप अपने लैपटॉप के ऊपर इस वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपके यही रहेगा कि आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के ऊपर इस वेबसाइट को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपका लैपटॉप के ऊपर या फिर डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर के ऊपर। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना कंप्यूटर के ऊपर इसको इंस्टॉल करके रखा हूं, तो आपके स्क्रीन पर ऐसा कुछ आइकन आ जाएगा जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद तो जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो, फिर आप इसको सबसे पहले तो ओपन कर लो, इसको ओपन कर लेना है आपको सबसे पहले। और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस टाइप से आने लगेगा। यहाँ पे आपको कुछ पहले साइन अप कर लेना होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन अप का ऑप्शन है, तो आपको साइन अप कर लेना है, या फिर आपके पास अगर पहले से ही इसका लॉगिन किया हुआ है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो मैं पहले से यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे पहले से साइन अप कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। आप यहाँ पे गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो, आप अपना फेसबुक अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो, आप अपना ट्विटर अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करके आपका नाम, आपका जो एड्रेस है, आपका जो फ़ोन नंबर है, वो सारा सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपना ईमेल आईडी देना है, आपका पासवर्ड देना है, और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको निकनेम देना है। जैसे आप यहाँ पे निकनेम दोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन मेल जाएगा आपके ईमेल के ऊपर, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपका अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे साइन अप का कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड और यूजर नेम डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ पहले, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है।
बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं, आपको जब लॉगिंग कर लोगे आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस इस टाइप से आने वाला है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर होम का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद नियर बाई, उसके बाद फ्रेंड का ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो माई डिवाइस का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं अपना रियलमी 2 प्रो को कनेक्ट करके टेस्ट किया था और उसके बाद ही आप सभी को ये प्रोसेस सिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी अगर आप सभी को मैं सिखाता हूँ तो पहले उस प्रोसेस को मैं खुद यूज करता हूं और उसके बाद देखता हूं कि अगर ये हाँ सही वर्क कर रहा है तभी जाके आप लोगों को उस प्रोसेस के बारे में बताता हूं। तो मैं यहां पे पहले प्रोसेस को टेस्ट किया था और मैं देखा सक्सेस काम कर रहा है, यानी कि आप सभी के साथ इसको मैं शेयर कर सकता हूं, तभी जाके आप सभी के साथ ये मैं शेयर कर रहा हूं ट्रिक। तो यहां पे मेरा रियलमी 2 प्रो को कनेक्ट किया था, तो आप जब कनेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आपका कोई भी मोबाइल का मॉडल नंबर नहीं आएगा। तो मैंने कनेक्ट किया था, इसी कारण से मेरा यहाँ पे मॉडल नंबर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन आता है और उसके बाद यहाँ पे सेंड विया ईमेल ऑप्शन आ रहा है। तो मैं आपको एक एक करके सभी स्टेप के बारे में बताऊंगा, आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल जो है जल्दी से जाकर नीचे लाइक का बटन है वहाँ पे लाइक कर सकते हो। आपको मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। अगर चैनल पर नया आ चुके हैं तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके यहाँ पे अगला प्रोसेस जो होगा दोस्तों वो आपको करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर आपको चला जाना है और प्ले स्टोर के ऊपर भी जाकर आपको एयरड्रॉइड का एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक देके रखा हूँ, तो आप वहाँ से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप प्ले स्टोर के ऊपर से ये वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन के अंदर, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ इसका लिंक, तो आप वहाँ से भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। तो जैसे आपके सामने इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक ओपन का और एक इंस्टॉल का। तो आपको ओपन के ऊपर सबसे पहले क्लिक कर देना है यहाँ पर, और क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका भी इंटरफेस काफी सिंपल है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे के साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे ME लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे टैप टू साइन इन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको वही वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपने लैपटॉप के ऊपर या फिर आप डेस्कटॉप के ऊपर साइन अप किए थे वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया है तो उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे साइन इन कर लेने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जो जो आपसे परमिशन पूछा जाएगा आप वो सारा परमिशन यहाँ पे दे दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे साइन इन करके आप एक बार छोड़ दीजिए अपने मोबाइल के अंदर, अगली बार से आपको जो है साइन इन नहीं करना पड़ेगा। बस एक ही काम होता है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कि आपको यहाँ पे जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया था डेस्कटॉप पर, वही ईमेल आईडी आप इस फ़ोन के अंदर लॉगिन करके छोड़ दीजिए। बस अभी इस फ़ोन को हम क्लोज कर देते हैं, हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट कनेक्ट ऑन रहना चाहिए, तभी जाके ये एप्लीकेशन वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। तो आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट ऑन रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फ़ोन के अंदर और कुछ नहीं करना है, तो हम फ़ोन को यहाँ पे बंद कर देते हैं और कुछ नहीं करते। अभी चलिए डायरेक्ट चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं वो सारा सब कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, माई डिवाइस लिखा हुआ है आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ये वाला आइकन के ऊपर। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहा है जिसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप रिमोट कैमरा का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कैमरा आपका फ़ोन का, जिस फ़ोन में आपने लॉगिन किया उस फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है फोन का कैमरा जो है वो ऑन हो चुका है और मेरा जो फोन जिस फोन में मैंने कनेक्ट किया है बट उस फोन में समझ में ही नहीं आएगा कि कैमरा ऑन है, बट ये जो कैमरा है वो बैकग्राउंड में ऑन हो चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैमरा है वो ऑन हो चुका है। अभी आपको अगर फ्रंट कैमरा को ऑन करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं स्विच का ऑप्शन है, यहाँ पे स्विच के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है, बट मोबाइल फोन में कोई भी ऐसा शो नहीं हो रहा है कि आपका जो कैमरा है वो ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मोबाइल स्क्रीन को भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, मोबाइल स्क्रीन जैसा था वैसे स्टैंड बाई रहेगा, बट यहाँ पे कैमरा जो है बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। तो अगर आप किसी का फ़ोन को मतलब आप सिक्योरिटी रीजन से अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपका कैमरा जो है वो बैकग्राउंड में ऑन किया हुआ है, किसी को समझ में भी नहीं आएगा, बट मिस यूज आप बिल्कुल भी मत कीजिए इस एप्लीकेशन का यूज़ करके। तो यहाँ पे आपका कैमरा का वर्क हो चुका है, अभी चलिए इसको बैक कैमरा ऑन कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्विच कर चुका हूँ, अभी इसका जो बैक कैमरा है वो ऑन हो जाएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके लिए आपको इंटरनेट ऑन रखना होगा, मैं जैसे कि आप सभी को बताया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो बैक कैमरा है वो ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैक कैमरा जो है वो ऑन हो चुका है। अभी चलिए मैं आपको दूसरा जो ऑप्शन है उसको दिखाता हूँ। अगर आपको दूसरा कोई ऑप्शन यूज करना है तो आपको यहाँ पे ऊपर के साइड आप देख सकते हैं एरो मार्क है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका जो ऑप्शन है वो बैक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं अपना फोन को जो है व्यू कर सकते हैं, है ना, यहाँ से व्यू कर सकते हैं कि आपका फ़ोन में क्या हो रहा है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन का स्क्रीन जो है वो यहाँ पे आपका लैपटॉप स्क्रीन में या फिर डेस्कटॉप स्क्रीन में आ जाएगा, बट यहाँ से आप अपने फ़ोन को एक्सेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आपका स्क्रीन को व्यू कर सकते हैं कि आप जिस फ़ोन के साथ कनेक्टेड है वो फ़ोन में क्या काम हो रहा है, है ना, वो सारा सब कुछ देख सकते हैं, या फिर आप किसी को सिखा सकते हैं। अगर जो फ़ोन यूज़ कर रहा है उसको अगर इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप उनको सिखा सकते हैं कि आप ये वाला सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर ये वाला ऑप्शन के ऊपर जाइए। अगर कुछ सिखाना है तो आप उस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर एक अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन का जो स्क्रीन है वो आ चुका है डेस्कटॉप के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे आप अगर कुछ क्लिक करेंगे तो कोई भी वर्क नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन हाँ आप अगर फोन के अंदर कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फोन के अंदर जो है वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर भी आपको दिख रहा है। काफी फास्ट है दोस्तों, आपको यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी लैग नहीं होता है, सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है तो काफी फास्ट वर्क करता है। यहाँ पे आप किसी को सिखा सकते हैं कि आपका फ़ोन के अंदर आपको अगर कोई जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनको अगर कुछ नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे लाइव उनको जो है सिखा सकते हैं, या फिर आप उन फ़ोन के ऊपर नज़र रख सकते हैं कि वो फ़ोन क्या वर्क कर रहा है ना। तो ये तो काम हो गया। उसके बाद ऊपर देख सकते हैं आप व्यू ऑनली मोड लिखा हुआ है, तो यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, ये मोड के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक चले जाना है अगर अगला कोई प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कंप्यूटर कीबोर्ड टू टाइप ऑन योर फ़ोन, यानी कि आपको अगर अपने फ़ोन के अंदर कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने फ़ोन के अंदर टाइप कर सकते हैं। मैसेज की जैसे ये काम करेगा, तो ये कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं इस प्रोसेस को स्किप करता हूँ, वरना वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप खुद ही इसको ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद जो फाइनली सबसे मेन इस सॉफ्टवेयर का जो सबसे खास फीचर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कंट्रोल योर मोबाइल फोन फ्रॉम कंप्यूटर रिमोटली। तो ये सबसे खास इस सॉफ्टवेयर का जो खास फीचर है वो है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे ज्यादा खास होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर क्लिक करना है और उसके बाद आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि स्टार्ट नॉन रूटेड अथॉरिटी, यानी कि आपका फ़ोन अगर रूटेड है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपका जो स्क्रीन है वो वर्क करने लग जाएगा, यानी कि आप देख भी सकते हैं और यहाँ से ही अपना फ़ोन को जो है एक्सेस कर सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं वो सारा सब कुछ यहाँ से ही आप कर सकते हैं, कोई मेनू को ओपन करना है, कोई फाइल को ओपन करना है, सब कुछ आप यहाँ से ही कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा आप क्या क्या कर सकते हैं। बट अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तब आपको करना क्या है, आपको अपना फ़ोन को कनेक्ट करना है डेटा केबल के थ्रू, आपको अपने मोबाइल फ़ोन और अपना डेस्कटॉप को कनेक्ट करना है। तो मेरा फ़ोन रूटेड नहीं है, इसी कारण से मैं आपको डेस्कटॉप पे अपना
डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा डेटा केबल को कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्टिंग हो रहा है। बस उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। अगर रूटेड है तो आपको ये सारा सब कुछ कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका वायरलेसली आप सभी काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोन है वो कनेक्ट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं अपने फोन के अंदर, अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से ही। तो यहाँ पे चलिए मैं बैक चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक चला जाना है, तो यहाँ पे बैक चला जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, फोन की स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं, और मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ पे मान लीजिए सेटिंग्स को ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स को भी ओपन कर सकता हूँ। अगर मुझे सेटिंग्स के अंदर कुछ और भी ओपन करना है तो मैं यहाँ से ही डायरेक्टली फोन को जो है एक्सेस कर सकता हूँ। यही चीज़ आपका फ़ोन अगर रूटेड रहेगा तो आपको कोई भी डिवाइस से मतलब USB डेटा केबल को लगाने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने फ़ोन को जो है यूज़ कर सकते हैं वायरलेसली। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, और मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल भी मिसयूज़ मत कीजिएगा, जेन्युइनली यूज़ कीजिएगा, कोई भी मिसयूज़ मत कीजिएगा। तो इस तरीके की आप जो है यहाँ से काम कर सकते हैं, चाहे आप अपना कोई भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, चाहे आप अपना कोई भी गैलरी को ओपन कर सकते हैं, कोई भी फोटोज़ को ओपन कर सकते हैं, सब कुछ आप जो है यहाँ से कर सकते हैं रिमोटली अगर आपका फ़ोन रूटेड रहेगा तो। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। आप डायरेक्टली जो है यहाँ से कैमरा को भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर कोई फाइल को आपको एक्सेस करना है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, तो वो सब कुछ आप जो है यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले नए और एक वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर से जो है लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर चैनल में नए आ चुके हैं तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगला जितना भी वीडियो अपलोड होगा इस चैनल के अंदर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले नए और एक वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।